पीएथ टर्म दे रखा है क्यू, क्यूएथ टर्म है पी, एन टर्म निकालना है। ठीक है, पीएथ टर्म दे रखा है क्या इस क्वेश्चन में? हमारा पीएथ टर्म जो है वो क्यू है और क्यूएथ टर्म जो है वो पी है, और निकालना कौन सा है? एनएथ टर्म, ए एन निकालना है। ए एन का मतलब क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए को और डी को यहां पुट करना है, ए को और डी को, ए और डी यहां पुट करना है। चलो एपी का मतलब क्या है? ए प्लस का पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू। ए क्यू का मतलब क्या है? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। इसको इसके नीचे लिख देते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन। ये सेकेंड, सेकेंड को इसके नीचे लिखा, माइनस करके डी निकाल लेते हैं और फिर ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो माइनस 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 ये कट गया, यहाँ से मिला पी माइनस का वन इंटू डी, ये माइनस है, यहाँ पे तुम्हें मिला क्यू माइनस वन इंटू डी, ये आ गया क्यू माइनस का पी। इसमें और इसमें डी मिल गया कॉमन, तो ये आ गया पी माइनस वन, ये माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस का क्यू प्लस वन बराबर क्यू माइनस का पी। वन से वन कट गया, पी माइनस क्यू इंटू डी बराबर, अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूं तो पी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और क्यू मेरा नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब है पी माइनस क्यू कट जाएगा, तो यहां से मुझे जो डी है वो माइनस वन मिल जाएगा। कितना मिल गया? क्या डी की वैल्यू माइनस वन आ गई? आ गई है, जरा चेक करो, चेक करो, डी आ गया माइनस वन। अब डी को जरा इसमें पुट कर दो सेकेंड कंडीशन में, क्या दिक्कत है? तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी है माइनस वन बराबर पी, तो ए माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का क्यू प्लस का वन हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा? पी, ये प्लस का क्यू हो जाएगा और वन हो जाएगा नेगेटिव, तो ए हमारा आ गया पी प्लस क्यू माइनस का वन। क्या आ गया? ए प्लस पी प्लस क्यू, मतलब ए आ गया पी प्लस क्यू माइनस वन। चलो ए एन निकालना था, यहाँ पुट कर दो, तो ए हमारा पी प्लस क्यू माइनस वन, एन माइनस वन, डिफरेंस इज माइनस वन, तो पी प्लस क्यू माइनस का वन, माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस का एन प्लस का वन, ये कट गया तो आंसर आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस का एन। तो क्या हमारा आंसर ए पार्ट आ गया? क्या हमारा आंसर ए पार्ट आ गया? जरा चेक करो, क्या हमारा आंसर ए पार्ट आ गया? तो पी प्लस क्यू माइनस का एन हमारा आंसर आ जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस का एन। क्लियर?